हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं विनिश ओयस फेस वॉश के बारे में। 90% लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स होती ही है, जैसे कि पिंपल, एक्ने, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, उसी के साथ साथ डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट, हाइपर पिगमेंटेशन या ऑयली या ड्राई स्किन। तो इसमें से मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि पिंपल्स और डार्क स्पॉट की। तो ये फेस वॉश मोस्टली सभी प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये फेस वॉश एक डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड फेस वॉश है जो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूँगी पैकेजिंग की। पैकेजिंग ये एक बॉक्स में आता है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी MRP है 330 रुपीज़ और 100 ml इसमें फेस वॉश आता है। ये फेस वॉश विनिश ओयस एक्वा AHA BSA फेस वॉश है, जिसमें बहुत ही अच्छे कंटेंट है। सबसे पहले मैं कंटेंट की बात करूँगी तो है एक्वा, बाद में है डी अकाई ग्लाइकोसाइड, रेड वाइन, ग्रेप सीड एक्स्ट्रैक्ट, उसके साथ साथ सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, एलोवेरा, अर्फा अर्ब्यूटीन, सोडियम पीसे है, एक्वासेल, जैंथिन गम और सोडियम ग्लूकोनेट। तो गाइस, एक्वा सबसे पहले है एक्वा। तो एक्वा मींस वाटर। तो ये स्किन में आपके हाइड्रेटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाद में है डिसाइकल ग्लाइकोसाइड। ये एक नॉन आयोनिक सर्फैक्टेंट है जो कि नेचुरल सोर्स से मिलता है और ये मोस्टली फोमिंग में यूज़ किया जाता है। ये एक इसका कंसिस्टेंसी वाटर लाइक है और इसका फोम इस वजह से होता है। बाद में है रेड वाइन, मतलब रेड ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, जो कि अंगूर, रेड अंगूर से बनता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट रहता है और ये आपके डैमेज स्किन को धीरे धीरे ठीक करता है और स्किन में जो एनवायरमेंटल में रहने वाले फ्री रेडिकल से भी बचाता है। बाद में है सैलिसिलिक एसिड। आपको पिंपल्स या बहुत स्किन प्रॉब्लम है तो सैलिसिलिक एसिड मोस्टली डॉक्टर रिकमेंड करते ही है। ये एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, BHA बेस होता है। ये आपकी स्किन को, पिंपल्स को ठीक करता है, अनक्लॉग पोर्स को ठीक करता है, ऑल्सो रिड्यूस एक्ने एंड इन्फ्लामेशन। और ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड मोस्टली केराटोलाइटिक, कोमेडियोलाइटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी माइक्रोबियल इसमें प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड आपको पता ही होगा, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं ग्लाइकोलिक एसिड में। इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, AHA बेस्ड। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, मतलब आप जब स्क्रब करते हैं तो आपको स्क्रबिंग की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें वो प्रेजेंट होता है, आपके स्किन के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, ऑल्सो आपके फाइन लाइन्स, रिंकल्स, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट को ये बहुत ज़्यादा लाइट कर देता है। आपकी स्किन गोरी बन जाती है, ब्राइटर बन जाती है। बाद में है एलोवेरा लिप एक्स्ट्रैक्ट। ये आपको पता ही है, स्मूथनिंग, हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी होती है। जब आपकी स्किन रेडनेस हो जाती है, इरिटेशन होने जाती है, तो आपके स्किन को ये बहुत अच्छे से कवर अप कर लेता है, ये स्मूथ बना देता है। नेक्स्ट है अल्फा अर्ब्यूटीन। इसमें स्किन लाइटनिंग एजेंट होते हैं, ये आपके डार्क स्पॉट और हाइपर पिगमेंटेशन को अल्फा अर्ब्यूटीन रिड्यूस करता है। उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट है, जैसे कि जैंथिन गम। ये एक नेचुरली थिकनिंग एजेंट होता है जो पूरे फॉर्मुलेशन को स्टेबलाइज करता है और आपकी जो ड्राई स्किन होती है उसको वो स्मूथ कर देता है। तो ऐसे इसमें इंग्रेडिएंट है जो आपके स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, स्किन को ब्राइटनिंग करते हैं। और मुझे ये डॉक्टर ने रिकमेंड किया था और अभी मैं यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसके रिज़ल्ट आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में सोचा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो इसे यूज़ कैसे करना है गाइस? इसे यूज़ बहुत सिंपल तरीके से करना है। पहले आपको आपके हाथ अच्छे से धो लेने हैं और स्वीज अमाउंट में आपको इसे लेना है, थोड़ा सा लेना है, फिर वाटर के साथ इसका फोम करना है और आपको फेस पे जेंटली अप्लाई करना है और नॉर्मली क्लींस कर लेना है। इसको ये 100 ml का आता है, तो आप पर्टिकुलर एक पर्सन यूज़ कर रहे हो तो आराम से आपको 2 महीने तक चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू अदर ब्रांड्स, ये ब्रांड्स की प्राइस कम है, क्योंकि जब सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड ये दो इंग्रेडिएंट आते हैं तो जैसे कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं तो 500 के ऊपर फेस वॉश जाता ही है। पर ये 330 का
100 ml में आ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वांटिटी है और प्राइस भी अच्छा है। ये आपके जो एक्ने है, ऑयली स्किन है, इसके लिए दिया जाता है। मुझे भी एक्ने और ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया था। तो आप भी इसे यूज़ करो, इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से ब्राइट कर देगा। आपके जो अनइवन स्किन टोन है, टैनिंग हो रखी है, या फिर आपको डार्क स्पॉट है, मेलाज्मा है, तो उसी के साथ साथ पिंपल्स, एक्ने, तो ये पिंपल्स को भी कम कर देता है। सैलिसिलिक एसिड आपके जो स्किन में ऑयल रहता है उसके प्रोडक्शन को कम कर देता है, उस वजह से आपको एक्ने भी नहीं आते हैं और आपके जो नए एक्ने होते हैं वो रुक जाते हैं, पुराने एक्ने को ये धीरे धीरे कम कर देता है। तो होप गाइस, डू यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।